नमस्कार। नमस्ते। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में कल्याण राव जी एडमिट हुए हैं, नासिक से हैं। हाँ। इनको पैनक्रियाटिक कैंसर है। इनको नवंबर में 2020 में डिडक्ट हुआ और इसके बाद इन्होंने कीमो लिए। कीमो लेने के बाद इनको कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हुई और जब ये यहाँ 15 तारीख को एडमिट हुए थे, 15 अप्रैल को, तब इनको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था और भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। ये खुद स्वयं कल्याण राव जी बताएंगे कि उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ है और क्या क्या प्रॉब्लम थी शुरू में। जी, मुझे नवंबर में पैनक्रियाटिक कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो मैं टाटा से कंसल्ट किया, नासिक में कंसल्ट किया। उसके बाद 3 दिन के 4 केमो लिए, 1 दिन के 3 केमो लिए, लेकिन हर केमो के बाद मुझे फिर 5 दिन एडमिट होना पड़ता था। WBCHB कम हो जाता था, टेम्परेचर आता था और डिसेंट्री हो जाती थी, यानी वीकनेस मेरा बढ़ता था। और जब भी मैं खाने का मन ही नहीं होता था, क्योंकि ओमेट खाना सामने आया कि ओमेट हो जाता था। अच्छा। फिर मैंने सर्च किया ये यूट्यूब पे जी। देवी अहिल्या कैंसर रिसर्च सेंटर जी। और हमारे दामाद, मेरा भतीजा और एक फ्रेंड को मैंने यहाँ भेजा जी। सब भी यहाँ की डिटेल्स ली और उसके बाद जब मुझे अच्छा लगा, मैंने मेरे हेल्थ को भी और मुझे ये भी, तो मैंने डिसाइड किया कि इधर जाने का जी। अभी मैं एक फाइनल कर दिया है कि मैं केमो कभी नहीं लूँगा, क्योंकि केमो कोई तकलीफ वो कैंसर पेशेंट ही जान सकता है। बिल्कुल सही। रेडिएशन और केमो क्या है, वो पॉइजन के सिवा कुछ भी नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो मैं अभी कभी नहीं लूँगा। मतलब हमारा इलेक्ट्रोहोमियोपैथी ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको ऐसा लगा कि अब कीमो नहीं लेना चाहिए? मैं यहाँ बिना हेल्प के चल ही नहीं सकता था जी। यहाँ आया तो मुझे कोई तभी हाथ पकड़ता था मेरा जी। तब अभी मैं 3 दिन से स्वयं नीचे जाता जी, थोड़ा सा घूमता, चाय पी के आता जी। तो इतना मैं कर सकता और मैं लिफ्ट से नहीं जाता, स्टेप उतर के स्टेयर से खुद ही जा रहे हैं। हो, 3 दिन से मैं खुद ही जा रहा, ये 7वां दिन है आज मेरा जी। हाँ। अभी तो जैसे आपको भूख नहीं लग रहा था, पेन में जो पेन हो रहा था उसमें कितना आप फील कर रहे हैं? पेन अभी 30-40% मुझे रिलीफ मिला है 7 दिन में जी। हाँ। और भूख में? हाँ, भूख बड़ा है, लेकिन क्या होता है कि इधर का ये खाना अभी अलग रहा था, इसलिए खाना अभी 2 दिन से खाना है। मुझे टेस्ट आया, पहले मेरे टैंक को टेस्ट ही नहीं था जी। अभी टेस्ट आ गया है, लेकिन जो केमो वाले के टेस्ट नहीं रहता जी, वो मुझे आ गया यहाँ 7 दिन में, यानी 3रे-4थे दिन आ गया। मैं 3रे दिन से खाना खा रहा था। हमारा जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ट्रीटमेंट है, वो वे ऑफ ट्रीटमेंट कैसा है? आप चूंकि एलोपैथी डिपार्टमेंट से ही हैं, तो आपने वो ट्रीटमेंट देखा है, आपने खुद अपने हस्बैंड के ऊपर वो ट्रीटमेंट देखा है एलोपैथी में, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट कैसा है ये बताइए। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एलोपैथी से बहुत अच्छा है, इसमें 7 दिन में ऐसा फर्क, बहुत मुझे रिलीफ आ गया है पेशेंट में। वो खाना भी अच्छा खाने लगे और जो वीकनेस वीकनेस थी, इम्यूनिटी पावर बढ़ गई है, जिसकी वजह से एलोपैथी से बहुत मुझे ऐसा, हम उनकी हालत देख नहीं सकते थे, इतनी हालत बहुत खराब होती थी जब कीमो का डोज कीमो लेते थे, तो वो बहुत हालत इतनी ख़राब होती है, वो खाना भी नहीं खा सकते, इतना तोड़ पे ज़्यादा बड़े बड़े फोड़ आते थे जी। टेम्परेचर कभी बार बार हमको हॉस्पिटल में और भर्ती करना पड़ता था। कीमो डोज लेने के बाद आपको फिर से एडमिट करना पड़ता, फिर से एडमिट करना पड़ता था 8 दिन में। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत अच्छा है। जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसा सिस्टर वगैरह मेडिसिन लगाती हैं, वो सब चीज़ें? हाँ नहीं, सिस्टर भी अच्छा देखभाल कर सकते हैं इधर जी। हम पूछे जे, हमको शंका है पूछते हैं, तो वो अच्छी तरह से है। और जब 7 डेज पहले जब आप यहाँ पे आए थे राइट, उस समय आपके माइंड में बहुत सारे प्रेशर होंगे, परेशान भी होंगे, बट 7 डेज के बाद जो है आज बहुत सुकून, बहुत रिलैक्स लग रहा होगा राइट? रिलैक्स लग रहा है, अच्छा लगा है ना, हमारे नासिक जैसा भी अच्छा लगा ऐसा। चलिए चलिए, आपके ये सब बातें सुन के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे पेशेंट को रिलीफ हो और वो हंसते हुए, जिस तकलीफ में वो आए हैं उससे हंसते हुए वो यहाँ से जाएं। स्टाफ भी अच्छा है, सिस्टर भी अच्छा है, सब अच्छा है इधर। अभी हम आपको 1 मंथ का मेडिसिन दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं जो 7 दिन में आपको रिलीफ मिला है, उससे बेहतर आपको रिलीफ मिलेगा और शायद अब कीमो आप नहीं लेंगे। नहीं लेंगे,
जी, कुछ भी हो, बिल्कुल रिलीफ यहाँ मिले ना मिले, मैं केमो नहीं लूँगा जी। धन्यवाद।